हेलो गाइस, स्वागत है आपका मनीषा कॉमर्स क्लासेस में। आज हम अपना चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग का? इट इज दैट वैल्यू, मतलब एक ऐसी वैल्यू है जिस पर हम गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर करते हैं कंपनी की एक यूनिट से कंपनी की दूसरे यूनिट को। मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो ब्रांचेस एक दूसरे से सामान सेल या परचेज करती रहती हैं। वो किस प्राइस पे एक दूसरे से सामान सेल परचेज कर रही हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। एग्जाम्पल देती हूँ आपको इसका, एक एग्जाम्पल क्या है, मान लो कंपनी है अमूल। कौन सी कंपनी है? अमूल। उसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच है अमूल मिल्क और एक ब्रांच है उसकी अमूल बटर। क्लियर है जी, दो ब्रांचेज हैं, एक है अमूल मिल्क और एक है अमूल बटर। तो जो अमूल बटर ब्रांच है उसको बटर बनाने के लिए मिल्क की जरूरत है, ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी ही कंपनी अमूल मिल्क से मिल्क परचेज कर सकती है या फिर वो मार्केट से परचेज कर सकती है। तो जो अमूल बटर है वो क्या करेगी, अमूल मिल्क से, मतलब अपनी ही कंपनी के ब्रांड से अमूल मिल्क से मिल्क परचेज करेगी। तो जो अमूल मिल्क है वो अमूल बटर को किस प्राइस पे मिल्क देगी उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर प्राइस। जो ट्रांसफर प्राइस है नॉर्मली वो किस लिए सेट कहते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो हमें फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है जी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं जो हमें फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो सेलिंग डिवीजन है वो बाइंग डिवीजन को सेल करती है, ठीक है। उसके लिए हम नॉर्मली ट्रांसफर प्राइस सेट करते हैं। मेथड्स क्या है ट्रांसफर प्राइस के, मतलब क्या है, ट्रांसफर प्राइस सेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स और मेथड्स ऑफ इंट्रा कंपनी ट्रांसफर प्राइस, मतलब क्या है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर प्राइस के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस, सेकंड इज कॉस्ट प्लस अ नॉर्मल मार्कअप, थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, फोर्थ इज मार्केट प्राइस, फिफ्थ इज स्टैंडर्ड शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड सिक्स्थ इज नेगोशिएटेड प्राइस। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेथड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, जो हमारी गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट आती है। इस मेथड में क्या है, हम जो गुड्स एंड सर्विसेज एक यूनिट से दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करते हैं तो हम किस प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट को बनाने की एक्चुअल कॉस्ट आई है, हम उस एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट, मतलब क्या है, ये बहुत सिंपल मेथड है, ऑपरेट करना भी बहुत इजी है। पर क्या होता है, जो ट्रांसफरिंग कंपनी है, जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है उसका प्रॉफिट है जो वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। उसका प्रॉफिट अंडर एस्टिमेट क्यों होगा, क्योंकि मान लो कंपनी 8 रुपए में कोई यूनिट बना रही है, ठीक है जी। तो वो मान लो ए और बी दो ब्रांचेज हैं, ए ने बी, ए है जो वो सेलिंग है और बी है जो वो परचेजर है। तो मान लो जो ए है वो 8 रुपए पे एक यूनिट, 8 रुपए यूनिट के हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और बी को वो 8 रुपए यूनिट के हिसाब से ही सेल कर रही है। तो उसके पास क्या बचा, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है जी। उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या है, उसका जो सेलिंग डिवीजन है उसका प्रॉफिट है जो वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, और जो परचेसिंग मतलब बाइंग डिवीजन है उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसने कम प्राइस में खरीदा है, 8 रुपए में खरीद लिया, आगे उस पर वो प्रोसेसिंग वगैरह करके उसको सेम प्राइस पे बेचेगी जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है। मतलब क्या है, उसका प्रॉफिट है जो वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा और जो सेलिंग डिवीजन है उसका प्रॉफिट है जो वो अंडर एस्टिमेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट प्लस अ नॉर्मल मार्कअप। इसमें क्या आ जाता है, इस मेथड में हम कॉस्ट को लेते ही लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल मार्कअप, मतलब मार्कअप मतलब कुछ मार्जिन ऐड कर लेते हैं, जैसे 10% कॉस्ट का 10% या कॉस्ट का 15% एज अ प्रॉफिट हम ऐड कर लेते हैं और उस पर हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं। मतलब इन दिस मेथड बाइंग डिवीजन इज चार्ज द एक्चुअल यूनिट कॉस्ट। इसमें क्या है, जो हम बाइंग डिवीजन है, बाइंग डिवीजन से क्या चार्जेस लेते हैं, एक तो जो एक्चुअल यूनिट कॉस्ट है वो हो गई प्रोडक्शन की, प्लस अ नॉर्मल मार्कअप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि ए ने बी, ए है जो सेलिंग है और जो बी है वो परचेजिंग यूनिट है, जो ए है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है 10 रुपीज, ए की प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 10 रुपीज, तो वो बी को ट्रांसफर कितने प्राइस पे करेगी, मान लो उसका 10% ऐड करके, तो 10 में वो 10% ऐड करेगी 1 हो जाएगा, मतलब बी को वो 11 रुपीज पे
सेल कर देगी, बी को वो 11 रुपीज पे ट्रांसफर कर देगी। इस केस में जो इस केस में ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, 11 रुपीज। क्लियर है जी। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आपको सबको पता ही होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसको हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले ही फिक्स कर लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी आ सकती है। अंडर दिस मेथड ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो फिक्स करते हैं ट्रांसफर प्राइस हमारा, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से फिक्स करते हैं। ठीक है जी, कैसे फिक्स करते हैं देखिए। मान लो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स की है 10 रुपीज। क्लियर है, मान लो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 10 रुपीज और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है वो है हमारी 8 रुपीज। क्लियर है जी, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज और हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज। अगर तो हमारी जो कंपनी है ए है जो, वो बी को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे सेल करेगी। ठीक है जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे सेल करते हैं। जो ए है वो बी को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे सेल करेगी, 10 रुपीज पे सेल करेगी। तो जब वो ए है उसको तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है जी, जो ए है उसको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट 10 है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 8 रुपीज। इस केस में क्या हुआ, ए को 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पर मान लीजिए जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो सेम 10 रुपीज है और जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो 12 रुपीज है। ठीक है, मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट इस केस में स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही हो, वो से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, जो ए कंपनी बी कंपनी को सेल कर रही है, ठीक है, तो वो तो 10 रुपीज में ही सेल करेगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ही सेल करेगी। तो जब वो 10 रुपीज पे सेल करेगी तो उसको क्या हो जाएगा, 2 रुपए का लॉस। क्लियर है जी, मतलब क्या है, जो ट्रांसफरिंग डिवीजन है, जो डिवीजन ट्रांसफर कर रही है, मतलब सेलिंग डिवीजन है, जो डिवीजन ट्रांसफर कर रही है, चाहे लॉस हो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हो, मतलब जो भी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का, जो भी वेरिएंस होता है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसफरिंग डिवीजन, ट्रांसफरिंग डिवीजन को ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये मेथड बहुत सिंपल है एंड ईजी है, बट क्या है, जो स्टैंडर्ड्स है उनकी कांस्टेंट रिवीजन करनी पड़ती है एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल्स। मतलब क्या है, जैसे हर एक साल या हर एक मंथ, सॉरी हर एक क्वार्टर के बाद या हर एक 6 मंथ्स के बाद हमें स्टैंडर्ड्स हैं जो वो रिवाइज करते रहने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने स्टैंडर्ड 10 रुपए फिक्स कर दिया तो वो 10 साल ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है। इन दिस मेथड द प्राइसेस चार्ज फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मतलब क्या है, इस मेथड में जो हम प्राइस डिसाइड करते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए, मतलब जो हमारे ट्रांसफर प्राइस हैं वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो भी मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से हम प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, पर क्या है, देखिए जब हम मार्केट में से कोई सामान परचेज करेंगे, मान लो सिंपल अमूल की आपको एग्जांपल देती हूँ। अमूल की 2 ब्रांचेस थी, एक तो थी अमूल मिल्क और सेकंड है हमारी अमूल बटर। ठीक है जी, मान लो अमूल बटर है जो, उसको बटर बनाने के लिए मिल्क चाहिए, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो मार्केट से जाके परचेज करे या फिर वो अमूल मिल्क से परचेज करे। क्लियर है, पर जब हम उसको मार्केट प्राइस पे ही दे रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको मार्केट प्राइस पे ही दे रहे हैं, तो वो तो कह भी सकती है ना कि मैं तो मार्केट से ही जाके परचेज करूं, मैं क्यों अमूल मिल्क से परचेज करूं जो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में फायदा क्या है और अमूल मिल्क उसको कैसे कम प्राइस में पे करेगी, देखिए मान लो जो मार्केट प्राइस है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, वो 10 रुपीज पर यूनिट है। क्लियर है जी, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है। पर जब हम मार्केट प्राइस डिसाइड करते हैं किसी चीज का, तो उसमें हम हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है, मतलब हमारी एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, वो सारे खर्चे उसमें हमारे ऐड होते हैं। पर जब अमूल मिल्क अमूल बटर को, ठीक है, अमूल मिल्क है जो, वो जब अमूल बटर को ही कुछ सेल कर रही है, तो उसमें तो उसको कोई ओवरहेड्स नहीं आ रहे हैं, कोई उसके एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं आ रहा है, कोई उसका सेलिंग एक्सपेंस नहीं आ रहा है। तो वो क्या करेगी, अपने मार्केट प्राइस में से, अपने मार्केट प्राइस में से क्या करेगी, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं, मतलब जितना भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा आता है वो डिडक्ट कर देगी। मान लो 10 रुपीज पर यूनिट है और 1 रुपीज हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा था, तो कितना आ गया 9 रुपीज। हम उसको 9 रुपीज में दे रहे हैं, मार्केट में उसको 10 रुपीज पे मिल रहा है, तो वो किस प्राइस पे लेना पसंद करेगी हमसे, जो हमने मार्केट प्राइस डिसाइड किया है 9 रुपीज। क्लियर है? इस मेथड में क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं जो वो हम डिडक्ट कर देते हैं मार्केट प्राइस में से, ताकि हम अपना ट्रांसफर प्राइस है जो वो डिटरमाइन कर सके। मतलब क्या, मार्केट प्राइस में से हम क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज वो इनकर ही नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी है, हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की है, कोई सेलिंग नहीं की है, सॉरी कोई एक्सपेंसेस सेलिंग पे इनकर नहीं किए हैं, तो हम क्या करते हैं उन एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। क्लियर है जी? नेक्स्ट है जो मार्केट प्राइस है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इस मेथड के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है, एक्चुअल कॉस्ट इज फ्लक्चुएटिंग एंड मोर डिफिकल्ट टू असर्टेन, वेयर एज मार्केट प्राइस कैन बी इजीली असर्टेन्ड। क्लियर है जी? मतलब क्या है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो फ्लक्चुएटिंग है, एक्चुअल कॉस्ट कभी ज्यादा आ जाती है, कभी कम हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है असर्टेन करना। पर जो मार्केट प्राइस की बात है, मार्केट प्राइस तो मार्केट में चल ही रहे होते हैं, मतलब हमें मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, उसके हिसाब से हम मार्केट प्राइस इजीली असर्टेन कर सकते हैं। फर्दर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स आर रिड्यूस्ड। मतलब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें कोई एक्सपेंसेस अकर नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ रही है, कोई हमें लोगों को बताना नहीं पड़ रहा है कि हमारी क्वालिटी कैसी है क्या है, मतलब कोई हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं। एंड सेकंड थिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ बैड डेट्स, मतलब क्या है, बैड डेट्स की जो प्रॉब्लम है वो बच जाती है। मतलब क्या है, जब अमूल मिल्क अमूल बटर को ही सेल करेगी, तो ऐसा थोड़ी है कि अमूल बटर है जो उसके पैसे रख लेगी या बैड डेट्स हो जाएंगे, उसके पैसे उसको नहीं मिलेंगे, ऐसा तो कोई केस आएगा नहीं उसमें, ठीक है। तो मतलब क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं और सेकेंडली बैड डेट्स भी हमारे रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी साथ में होते ही हैं। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। देयर मे बी रेसिस्टेंस फ्रॉम द बाइंग डिविजन। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बाइंग डिवीजन है जो, ठीक है जी, मैं आपको वही एग्जांपल देती हूँ अमूल मिल्क का ही, ठीक है। अमूल कंपनी है, उसकी दो डिवीजन्स हैं, फर्स्ट इज अमूल मिल्क एंड सॉरी अमूल मिल्क एंड सेकंड इज अमूल बटर, ठीक है जी। तो जो बाइंग कंपनी है अमूल बटर, उसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो अमूल मिल्क से परचेज करना है और एक उसने मार्केट से परचेज करना है, ठीक है जी। जब उसे कोई फायदा ही नहीं होगा, सेम सी बात है, जब उसे मार्केट प्राइस पे ही परचेज करना है तो वो अमूल मिल्क से परचेज क्यों करेगी? वो कहेगी कि हम तो भाई मार्केट से परचेज करेंगे। वो ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब दो यूनिट्स होती हैं, दो कंपनी, एक कंपनी की दो यूनिट्स होती हैं, हमें भी पता है कि हर एक कंपनी में कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों में भी कंपटीशन होगा, अमूल मिल्क में भी और अमूल बटर में भी, कि कौन सी जो डिवीजन है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अमूल मिल्क ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है या फिर अमूल बटर ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। अब जो अमूल बटर है उसको अगर अमूल मिल्क भी 10 रुपए में दे रही है और मार्केट में से भी 10 रुपए में मिल रहा है, तो अमूल बटर क्या करेगी, अमूल मिल्क से लेने की जगह क्या करेगी, मार्केट से परचेज करेगी। वैसे उसे मोरली कहां से परचेज करना चाहिए, अमूल मिल्क से परचेज करना चाहिए, क्योंकि वो इस कंपनी की डिवीजन है, पर वो परचेज कहां से करेगी, मार्केट में से परचेज करेगी। क्यों मार्केट में से परचेज करेगी? क्योंकि उसे ये होगा कि मैं उसे क्यों प्रॉफिट दूं, ठीक है। अमूल बटर को होगा कि मैं अमूल मिल्क को क्यों प्रॉफिट दूं, मेरी वजह से इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, जबकि मुझे तो इसकी वजह से कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा, ठीक है जी। तो मतलब क्या है, ऐसे केसेस में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है, मार्केट प्राइस कैन ऑल्सो बी फ्लक्चुएटिंग एंड हेंस डिफिकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस। ऊपर उसने क्या बोला था कि जो एक्चुअल प्राइस है वो फ्लक्चुएटिंग होता है बट, और जो मार्केट प्राइस है वो इजिली असर्टेन होता है। बट डिसएडवांटेजेस में क्या है कि जो मार्केट प्राइस है वो भी फ्लक्चुएटिंग होते हैं। हमें भी पता है कि जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा सेम नहीं रहते, मार्केट प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। जब मार्केट प्राइस डेली बेसिस पे चेंज होते हैं तो
ट्रांसफर प्राइस सिलेक्ट करने में, उनको डिटरमाइन करने में कई बार डिफिकल्टी आ जाती है। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस इज अ वेग टर्म। वेग टर्म क्यों है? क्योंकि मार्केट प्राइस, हम कौन सा मार्केट प्राइस ले रहे हैं ये नहीं बताया। मतलब क्या है, मार्केट प्राइस बहुत टाइप का होता है। जैसे इट मे बी फैक्ट्री प्राइस, ये फैक्ट्री प्राइस भी हो सकता है, ये होलसेल प्राइस भी हो सकता है, और ये रिटेल प्राइस भी हो सकता है। वेग टर्म क्यों है? देखिए, जो फैक्ट्री प्राइस है उस पे तो वो प्राइस बहुत कम होता है, ठीक है, और जो होलसेल प्राइस है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो रिटेल प्राइस है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या है, इन तीनों प्राइसेस में बहुत डिफरेंस होता है। फैक्ट्री प्राइस बहुत कम होता है, रिटेल प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो मार्केट प्राइस में उसने ये नहीं बताया कि हमें कौन से प्राइस पे, फैक्ट्री प्राइस पे ट्रांसफर करना है, होलसेल प्राइस पे ट्रांसफर करना है, या फिर रिटेल प्राइस पे ट्रांसफर करना है। मतलब क्या है, ये एक वेग टर्म है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट मेथड, शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट। मतलब इसमें क्या है, हम प्रॉफिट शेयर करते हैं, क्लियर है जी। अंडर दिस मेथड नो प्राइस इज चार्ज्ड फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। मतलब क्या है, इंट्रा कंपनी जो कंपनीज एक दूसरे को ट्रांसफर कर रही है, जो अमूल मिल्क है, मान लो अमूल बटर को ट्रांसफर कर रही है, तो उसके लिए वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगी। नो प्राइस इज चार्ज्ड, कोई प्राइस उसके लिए वो चार्ज नहीं करेगी। रादर आउट ऑफ टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ द कंपनी द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस डिविजन इज डिडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है, इसमें वो इसमें कोई प्राइस, कोई भी डिवीजन चार्ज नहीं कर सकती। इसमें क्या है, वो क्या करते हैं, सेल्स में से, मतलब टोटल सेल्स रेवेन्यू में से, कंपनी के टोटल कॉस्ट है जो, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू में से जो टोटल कॉस्ट है वो माइनस करते हैं। मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो उनके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। फिर उस प्रॉफिट को वो डिवीजन हैं जो आपस में शेयर कर लेंगी। कैसे शेयर करेंगे, किस तरीके से शेयर करेंगे, ये फॉर्मूला दिया है। जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पर्टिकुलर डिवीजन, हमने एक डिवीजन का, ठीक है, हम दो डिवीजन है, हमने मान लो एक डिवीजन का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम पूरी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक डिवीजन की कॉस्ट आई है उससे, और नीचे आ जाएगा टोटल कॉस्ट। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि जो हमारी जो सेल्स थी कंपनी की, वो टोटल सेल्स थी हमारी 2 लाख रुपए की, ठीक है जी, टोटल सेल्स थी हमारी 2 लाख रुपए की, कॉस्ट थी हमारी टोटल 1 लाख रुपए की, तो मतलब प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 1 लाख, क्लियर है। सेल्स थी हमारी टोटल 2 लाख की, कॉस्ट टोटल कॉस्ट थी हमारी 1 लाख की, और प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख, ठीक है जी। अब इसमें जो कॉस्ट थी हमारी, इस कॉस्ट में 2 डिवीजन थे, एक थी ए और एक थी बी। जो ए डिवीजन थी उसने कॉस्ट, उसकी कॉस्ट थी 60,000, और जो बी डिवीजन थी उसकी कॉस्ट थी 40,000, क्लियर है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, 1 लाख प्रॉफिट है, इंटू ए की कॉस्ट कितनी है, 60,000, टोटल कॉस्ट ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे हम उससे टोटल कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, 1 लाख, क्लियर है जी। तो मतलब ए का प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ है उसमें से ए 60,000 ले लेगा और बी कितना ले लेगा, 40,000, क्लियर है। नेक्स्ट है नेगोशिएटेड प्राइस। नेगोशिएटेड प्राइस में क्या होता है, जो प्राइस है वो नेगोशिएशन से फिक्स होता है। मतलब क्या है, इसमें हम कोई कॉस्ट देख के प्राइस नहीं लेते हैं, कुछ नहीं। इसमें हम जो पार्टीज हैं, सेलिंग पार्टी और परचेजिंग पार्टी, उन दोनों के नेगोटिएशन से प्राइस फिक्स करते हैं। द ट्रांसफर प्राइस मे बी फिक्स्ड थ्रू नेगोटिएशन बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग डिवीजन। मतलब जो सेलिंग एंड बाइंग डिवीजन है वो आपस में अपनी नेगोटिएशन से प्राइस फिक्स करती हैं, आपस में बातचीत करके, आपस में बैठ के एक प्राइस वो फिक्स कर लेती हैं। समटाइम्स इट मे हैपन, कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में चीपर प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है जी। मार्केट में कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट चीपर प्राइस में अवेलेबल है, तो क्या होता है इस केस में, जब मान लो हम जो सेलिंग डिवीजन है, ठीक है, जो सेलिंग डिवीजन है सेल कर रही है, वो 10 रुपए में सेल कर रही है, पर मार्केट में वो प्रोडक्ट 9 रुपए में मिल रहा है, या हम कहते हैं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट 8 रुपए में मिल रहा है, तो जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बाइंग डिवीजन है वो मना कर देगी कि मैं तो
भाई सेलिंग डिवीजन से नहीं खरीदूंगा, मैं तो मार्केट से खरीदूंगा, क्योंकि मुझे सेलिंग डिवीजन से खरीदने में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे तो मार्केट से खरीदने में प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं सेलिंग डिवीजन से क्यों खरीदूं। ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, इन दिस सिचुएशन जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होती है जो हमारी एक कंसर्न की, हमारी कंपनी की, वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। क्योंकि जब हमारी बाइंग डिवीजन हमारी सेलिंग डिवीजन से ना खरीद के मार्केट से खरीदेगी तो सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्वियस है हमारा तो लॉस ही होगा ना, कंपनी का तो लॉस ही होगा। देयरफॉर मतलब ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जो बहुत दोनों डिवीजन है, सेलिंग डिवीजन और बाइंग डिवीजन, दोनों आपस में बैठ के म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बात करके नेगोशिएशन कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हम जैसे हम करते हैं आपस में बातचीत करके कम कर लेते हैं प्राइस, कि मार्केट में इतना मिल रहा है, वो इतना चार्ज कर रहे थे, तो आपस में बातचीत करके वो क्या होगा, दोनों डिविजन का, बाइंग डिविजन का भी और सेलिंग डिविजन का भी, दोनों डिविजन का बेनिफिट होगा और उन्हें मार्केट से भी परचेज नहीं करना पड़ेगा और ओवरऑल कंपनी का भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनकी जो डिविजन है वो आपस में ही सेल और परचेज कर रही हैं। आई होप आप सबको अच्छे से मेथड्स क्लियर हो गए होंगे कि मेथड क्या क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग के और ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।